हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? देखा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ले आए ना फटाफट से अगला वीडियो बिना देर लगाए ड्राई स्किन वालों के लिए। जैसे ही मैंने गुड वाइब्स का ऑयली स्किन केयर वीडियो शेयर किया तो मेरे कमेंट सेक्शन भर गए, दीदी हमारे लिए भी ड्राई स्किन के लिए भी बनाओ ना। अरे मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था तो बनाना तो था ही, क्योंकि सेल आने वाली है ना मॉनसून मेनिया पर्पल पे 11th और 12th जुलाई को। तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स तो रेकमेंड कर दूं ताकि आप अपनी कार्ट में फिल कर लो। तो नीचे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलना। चलो बिना ज्यादा देर लगाए शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करें, एक्साइटमेंट बनी हुई है ना, मेरी भी बनी हुई है। बाय द वे, मेरी मेकअप लुक आपको अच्छी लग रही है मुझे पता चल रहा है। आएगी, पिछली वाली मेकअप लुक भी मेरे इंस्टाग्राम पर आई थी, ये वाली मेकअप लुक भी मेरे इंस्टाग्राम पर आएगी। वैसे कितना ग्लोइंग मेकअप लग रहा है ना, सच बताऊं, ड्राई स्किन का स्किन केयर करने के बाद ये मेकअप लुक करी है मैंने और एक भी हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, नो हाइलाइटर। ये जो ग्लो और शाइन आपको दिख रही है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्किन केयर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो आप सारे प्रोडक्ट्स ध्यान से देख लो स्टेप बाय स्टेप। साथ ही मैं यहाँ पर ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि कॉम्बिनेशन वाले स्किन वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है, मेरी भी वही है। कॉम्बिनेशन स्किन है जहाँ आपके फेस पर कुछ कुछ ड्राई पैचेस और कुछ कुछ ऑयली पैचेस हैं। तो अगर आपके फेस में ज़्यादा ड्राई और कम ऑयली पैचेस हैं तो आपको ड्राई स्किन केयर यूज़ करना है। अगर ज़्यादा ऑयली पैचेस हैं और कम ड्राई स्किन केयर है तो आपको ऑयली वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, वो मोस्टली सूट कर ही जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कॉम्बिनेशन स्किन वाले नाराज़ नहीं होना, सच में मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, ड्राई और ऑयली वाला मिक्स मैच करके बनाती हूँ अपना स्किन केयर। तो आपको एक बार फिर से बता दूँ, गुड वाइब्स की प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली मिलेंगे purple.com पर। ये हैं पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और क्रुएल्टी फ्री, और साथ ही बहुत अफोर्डेबल भी हैं, और सेल के ऑफर्स को बिल्कुल मिस मत कर। तो चलो अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। आपको चाहिए एक अच्छा सा फेस वॉश, और गुड वाइब्स की रेंज में से आप पिक कर सकते हो हनी फोमिंग फेस वॉश। हनी का ये फोमिंग फेस वॉश डीपली मॉइस्चराइजिंग है आपकी स्किन के लिए। शहद जो होता है वो ड्राई स्किन की फ्लेकीनेस को दूर करता है और ड्राई स्किन को बहुत डीपली नरिश करता है। तो आप ये वाला फेस वॉश पिक कर सकते हो। इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है, ये फोम की फॉर्म में निकलता है, प्रेस करने से इजीली आपके स्किन पर लग जाता है और आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी। फेस वॉश करने के बाद आपको स्किन बहुत अच्छे से नरिश लगेगी और क्लीन भी लगेगी। स्टेप नंबर 2 है स्क्रबिंग। ध्यान देना, ड्राई स्किन है इसलिए ओवर स्क्रबिंग नहीं करनी है, वरना ड्राई फ्लेक्स के साथ साथ स्किन भी स्क्रब होकर बाहर निकल आएगी। इसलिए ध्यान रखना कि वीक में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप स्क्रब को इस्तेमाल करो। और मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ ग्रेप फ्रूट स्क्रब, क्योंकि ये हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में, एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देता है और साथ ही आपके स्किन को बहुत डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, आपको अपने स्किन पर खुद ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट फील होगा, और जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छे से आपकी डर्ट एंड ग्राइंड को रिमूव कर देंगे आपके ओपन पोर्स में से। आपकी स्किन हो जाएगी एक्सफोलिएट एंड डीप क्लीन, और तब भी उसमें ड्राइनेस नहीं आएगी। फेस वॉश हो गई, स्क्रबिंग हो गई, अब अप्लाई करना चाहते हो आप एक अच्छा सा फेस मास्क। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो फेस मास्क अप्लाई कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ एवोकाडो नरिशिंग फेस मास्क। एवोकाडो इस फ्रूट के बारे में सुना है, बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। अगर आप इसे कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो भी आपके स्किन पर एक ग्लो आता है, और अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को लगाते हो तो वो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बहुत डीपली मॉइस्चराइजिंग होता है एवोकाडो, कि आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ डीप हाइड्रेशन भी देता है स्किन को, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो पूरा मास्क अपने फेस पे लगाने के बाद जब ये सूख जाए तब आप अपना फेस वॉश कर सकते हो या एक वेट वाइप से क्लीन कर सकते हो। अब बारी है बाकी का स्किन केयर करने की, तो हमें अप्लाई करना है टोनर। वैसे तो मैं आपको बताती हूँ कि रोज ग्लो टोनर ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है, तो आप वो भी पिक कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली ड्राई स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूंगी रोज हिप का क्लैरिफाइंग टोनर। रोज हिप का ग्लो सिरम सुना है ना आपने, बहुत यूज़ किया है। रोज हिप की मेन क्वालिटी यही है कि वो डीपली मॉइस्चराइजिंग और डीपली हाइड्रेटिंग बेनिफिट्स रखता है, तो इसलिए रोज हिप का स्किन केयर चूज करो अगर आपकी स्किन है ड्राई। रोज हिप की रेंज में आपको टोनर भी मिलेगा, फेस वॉश भी मिलेगा, स्क्रब भी मिलेगा, और आई थिंक जेल भी मिलेगा। तो टोनर के लिए आप पिक करना रोज हिप का क्लैरिफाइंग टोनर। अच्छे से फेस पे स्प्रिट्स कर लो और इसको टैप टैप करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दो। इसको बिल्कुल भी क्रीम की तरह मलना नहीं है, और आपको मालूम है ना गुड वाइब्स के सारे टोनर्स अल्कोहल फ्री हैं, तो ड्राई स्किन वालों को तो एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए कि आपका टोनर अल्कोहल फ्री हो, वरना अल्कोहल से आपकी स्किन ओवरली ड्राई हो जाती है। टोनर के बाद अगला स्टेप है सिरम अप्लाई करना। सिरम की जगह मैं आपको रेकमेंड करूंगी गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स।
बहुत ज़्यादा डीपली हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रूखी रहती है, खिंची खिंची और टाइट सी त्वचा रहती है, तो अगर आप अपने स्किन केयर में आर्गन फेशियल ऑयल को इंक्लूड करोगे, आपको स्किन बहुत सॉफ्ट और सपल लगेगी हर टाइम। सच में इसको ट्राई ज़रूर करना। ये सिर्फ मेकअप करने से पहले लगाने वाली चीज़ नहीं है, स्किन केयर में इंक्लूड करने वाला फेशियल ऑयल है। तो बस आपको 3 से 4 ड्रॉप्स अपने फेस पर लगानी है और इसको अच्छे से अपने स्किन में मॉइस्चराइज करके एब्जॉर्ब करवा लेना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना फेशियल ऑयल को। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी प्यारी चमक आ गई है इस फेशियल ऑयल को लगाते ही। ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन तब भी आपके फेस पर ऐसा ग्लो बरकरार रहेगा। अच्छा, अब बारी आती है कि मॉइस्चराइजेशन कैसे करनी है। तो आप जेल भी यूज़ कर सकते हो और एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। जेल के लिए फिर से मैं रेकमेंड करूंगी आपको आर्गन फेस जेल। आर्गन मैंने अभी आपको बताया बहुत डीप मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग क्वालिटीज रखता है। आर्गन फेशियल ऑयल खाली भी लगा सकते हो, चाहो तो उसको टॉप अप कर सकते हो आर्गन फेस जेल के साथ। बहुत ही प्यारी खुशबू है आर्गन फेस जेल की और इसको लगाते ही ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ में आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट गुशी गुशी सा छोड़ता है, जैसे बेबी स्किन होती है। अब अगर आपको जेल लगाकर तसल्ली नहीं होती और आपको कोई अच्छी सी हैवी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही लगानी है क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है, तो मैं बहुत टाइम से बताती आई हूँ अपने वीडियोस में गुड वाइब्स की विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग क्रीम। ये इतनी डीप हाइड्रेशन देती है कि आई थिंक ड्राई स्किन वाले भी बोलेंगे उफ ऑयली तो नहीं हो गई स्किन। मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में ये वाली क्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए होली ग्रेल प्रोडक्ट है। तो इसलिए ज़रूर ट्राई करना ये वाली क्रीम। अगर आप जेल लगाकर सेटिस्फाइड हो तो ठीक हो, नहीं तो ये क्रीम भी अपने कार्ट में ऐड कर लेना, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लगाते ही आपको लगेगा जैसे आपकी स्किन को किसी ने नहला दिया हो बहुत सारे मॉइस्चराइजर से। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और सपल हो जाएगी। अच्छा, लिप बाम में चॉइसेस नहीं दे रही हूँ। जैसे मैंने ऑयली स्किन केयर में लिप बाम बताया था ना गुड वाइब्स का ऑरेंज वाला, ऐसे आप गुड वाइब्स का कोई भी फ्लेवर का अच्छा सा लिप बाम पिक कर सकते हो। ये सारे ही बहुत मॉइस्चराइजिंग है, तो लिप बाम को मिस नहीं करना, स्किन केयर में ज़रूर इंक्लूड करना ताकि आपके लिप्स भी चैप्ड और फ्लेकी ना हो। लास्टली, बॉडी का केयर भी तो करना है ना, तो बॉडी लोशन तो लगाना ही है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ गुड वाइब्स का लिकरिश ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। जो ड्राई स्किन वाले हैं ना, जब ये नहाकर आते हैं तो चाहे ये सोप लगाएं ना लगाएं, शावर जेल लगाएं ना लगाएं, सिर्फ पानी से नहाने से भी इनकी स्किन के जो ऑयल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ओवरली ड्राई फील करती है। तो आई थिंक ड्राई स्किन वालों को तो ज़रूर और ज़रूर बॉडी लोशन लगाना ही चाहिए, लगाना होता ही होगा आपको, है ना। किसी ऑयल को अपनी बॉडी पे लगाने से अच्छा है कि एक अच्छा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन लगाओ। तो आप लगाओ गुड वाइब्स का लिकरिश का ये ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन। जेनरस अमाउंट अच्छे से अपनी आर्म्स, लेग्स, पूरी बॉडी पर लगाकर यू विल फील योर स्किन विल बिकम वेरी सॉफ्ट एंड सपल। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माय ड्राई स्किन केयर रिकमेंडेशंस फॉर यू। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट। एंड थैंक यू सो मच कि आपको मेरा लास्ट गुड वाइब्स स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन वीडियो इतना अच्छा लगा। जल्दी ही सेल आने वाली है, भूलना मत 11th एंड 12th जुलाई को। उसके लिए एक हॉल वीडियो बना रही हूँ, आपको रेकमेंड करूँगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अच्छे हैं जो आप उस सेल में पिक कर सकते हो। इंतजार करना मेरा, जल्दी मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखो एंड स्टे सेफ। लव यू सो मच, पिक पुच्ची, बाय। और हाँ, ये वाला मेकअप देखना नहीं भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे। अब बाय बाय।